सेम योर, ग्लैड टू सी यू एंड सो मेनी माइक्स. थैंक यू. सो आज हम कवर शूट कर रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड. इट्स फॉर द मैगजीन फैशनिस्टा और मेरे दो लुक्स है. एक तो कवर पिक्चर वाला लुक है विच आई डोंट नो इफ यू ऑल कवर्ड बट दैट्स लाइक अ सरप्राइज लुक एंड दिस इज अ साड़ी. तो आई मीन दिस इज कीपिंग इन माइंड माई ओन स्टाइल. तो दीज टू लुक्स वर ऑल्सो वर्कड अपॉन एंड कॉन्सेप्चुलाइज बाय द फाउंडर्स फरीन एंड ओसामा. सो आई लाइक टू कॉल देम टू प्लीज. हेलो. सो या तो हम सब ने ये लुक कॉन्सेप्चुलाइज किया और कीपिंग इन माइंड माई पर्सनैलिटी एंड माई स्टाइल. और आज हम एक्साइटेड है ना? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. बहुत अच्छा लगा है हमको सुनैना मैम के साथ काम करके. बहुत ज़्यादा इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और बहुत ही इनको मैं चेक बाद में पहुंचा दूंगी. कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट बहुत एडजस्टिंग. बिकॉज ऑफ के सुनैना ये लुक बहुत अच्छे से कैरी कर पाएगी, हमने ये सोच के उनको ये दो लुक दिए थे. और जो हमारा फर्स्ट कवर के लिए लुक है वो तो स्पेशली सुनैना के लिए हमने थीम वाइज बनाया था. इंशाल्लाह आप कवर देखिएगा, आपको पता चलेगा. हमारा मैगज़ीन का नाम फैशनिस्टा मैगज़ीन है. उसका जो है स्टाइल मतलब फैशन से रिलेटेड ही है सारा. और सुनैना मैम को हम लोग कवर पे लाने वाले थे और यही है सारा. So he just wants to say that I'm very fashionable. That's why I'm on Fashionista. But actually, मुझे भी बहुत अच्छा लगा because normally जब हम अपने shows कर रहे हैं, हम this is the only way हम लोगों को अपना personal style बता सकते हैं. And you know this is something that so I'm a mix of Indian with modern. So I think आज वैसे ही कुछ cover किया है with Indian values and modern outfits. तो that's a good mix. तो yeah, in fact our first outfit was also a very pretty gown. तो बहुत ही Cinderella जैसी feeling आ रही थी मुझे. तो और pink is actually my favorite color. Red is the color of love. तो that's all. I mean मैं ज़्यादातर red और pinks में होती हूँ. So yeah, both the looks have that. So, yeah. पजामाज. नो सो जोक्स अपार्ट, आई फील कि जितना आप सिंपल और क्लासिक रह सको, क्योंकि ट्रेंड्स तो आते जाते हैं बट स्टाइल आपका हमेशा रहता है. सो मैं ट्रेंड्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करती. मुझे लगता है कि एक इनबॉर्न स्टाइल होता है हर एक इंसान का. सो दैट इज़ समथिंग दैट वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. यू शुड नॉट फियर टू लेट इट आउट. तो बाकी कुछ भी हो, यू नो समटाइम्स यू गो राइट, समटाइम्स यू गो रॉन्ग, बट स्टाइल शुड ऑलवेज बी देयर. योर इंडिविजुअलिटी इज दैट. सो या ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस लास्टली अंजलि भाभी से जानना चाहेंगे, तारक मेहता में कितना कैसा जा रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका, और कितना चैलेंजिंग था बिकॉज ऑलरेडी हम एक अंजलि भाभी को देख चुके हैं. एंड देन आपको क्या लगता है? मैं अब ये सवाल आप ही से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आई एम तो लविंग इट, दैट्स वाई आई थिंक यू आर लविंग इट. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए और मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज़ मी, यू नो मैं अपना फ्लेवर. तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय माई सेल्फ ऑन द सेट एंड आई एम लकी कि आई गॉट अ ग्रेट टीम एंड भगवान की देन है. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एंड आई थिंक द आंसर तो आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है बिकॉज आई ऑलवेज मैं अपनी तारीफ क्या करूँ. No, but jokes apart, I think the audience has been very kind. So, thank you guys. And if today हम बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो positive मैंने किया होगा. So, yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks.